अस्सलाम वालेकुम जी। अभी अभी उठे हैं सुबह, आज का व्लॉग करते हैं जी अभी से शुरू। तो अभी अभी मैं आलू लेके आया था, अंदर जो है ना रोटी पक रही है, तो रोटियाँ भी खानी है आलू के साथ। पिंडों वगैरह में आलू को कहते हैं छदादे। तो आपके हाँ जो भी कहते होंगे तो आप हमें जो है ना कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यार यहाँ पे मैं खाना खाने लगा था तो अबरिश मेरे पास आके बैठ गई थी, तो फिर मैंने कहा यार इसको भी खाना खिला लेते हैं। तो यार फाइनली मैंने भी खाना खा लिया था। तो यार खाना वगैरह तो खा लिया था, अभी जो है ना जोहर की नमाज पढ़ के आया हूँ अभी अभी। सो अभी खाने वगैरह का कोई दोपहर का टाइम हो गया, दोपहर के खाने का टाइम हो गया। सो वो जा रहा हूँ लेने, पता नहीं क्या लेना है, बताता हूँ वहाँ होटल पे जाके। सो यार काफ़ी दिन हो गए थे कि मैंने अपनी साइकिल को चलाया भी नहीं था, पूरा रमज़ान मैंने इसकी तरफ देखा भी नहीं था, लेकिन आज मैंने सोचा यार इसको धो लेते हैं। सो भाई की गाड़ी को भी मैंने धो लिया था, अभी देखे पास ही गाड़ी की खड़ी थी, तो साइकिल भी मैंने अपनी धो ली थी, सही अच्छी तरह धोई थी। भाई की गाड़ी को भी धो लिया था और भाई ने मुझे इनाम भी दिया था, उसने मुझे पैसे भी दिए थे, तो मैं बहुत खुश हो गया था। यार पेट्रोल भी चेक कर लें गाड़ी को, हम भाई आते हैं पेट्रोल भी देख लें, थोड़ा सा गुजारा हो जाएगा। तो यार गाड़ी को धोया मैंने, बड़े भाई कासिम की गाड़ी थी तो उसने मुझे पैसे भी दिए हैं, 150 रुपया उसने मुझे दिया है। तो यार मैंने पहले कहा था रहने दो भाई रहने दो, फिर भाई ने कहा ले लो आपकी मेहनत है, तो गाड़ी उसकी धोई है उसने दी है, तो अब उनकी कुछ चीज़ खा लेंगे। यार अभी जो है ना हम जा रहे हैं गोश्त लेने, उसके साथ हमने आलू भी लाने हैं, आलू गोश्त आज पकना है, जुमे रात है ना, आज ख़त्म भी दवाना है। तो यार पेट्रोल हमने जो है ना वो डलवा लिया है, अभी गोश्त पकड़ना, गोश्त का मैं बताया हूँ उनको, जाके गोश्त पकड़ते हैं और आलू पकड़ते हैं और घर जाके आप लोगों से मिलते हैं। तो यार यही पे आज का छोटा सा व्लॉग जो है ना एंड करते हैं, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।